Sir, your move to bring private players in railways is facing a lot of criticism, especially from the opposition parties, especially Congress and other parties are saying that what's the need for this right now? मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी एकदम दिशाहीन हो गई है और उनको खुद को ही पता नहीं कि उनकी क्या पॉलिसीज रही हैं पास्ट में और वो देश के सामने किस प्रकार का डेवलपमेंट मॉडल देना चाहते हैं। हमारी जो कल्पना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अच्छी मॉडर्न ट्रेन जो विश्व भर में जनता की सेवा करती है, लोगों को अच्छा सुगम यात्रा देती है, ऐसी ट्रेन भारत में भी आए। अभी एक ट्रेन आएंगी तो इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कंफर्टेबल ट्रैवल वाली ट्रेन होंगी। बड़े पैमाने पे निवेश होगा इन ट्रेन को लाने के लिए, हाई स्पीड पे चलेंगी और भारतीय रेल का जो पैसा नॉर्मल कोर्स में ऐसी ट्रेन लाने में लगता, वो पैसे से हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जम्मू कश्मीर ऐसे इलाकों में रेलवे का विस्तार कर पाएंगे। साथ ही साथ ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी भारत में आएगी तो मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे ट्रेनें बनेंगी, भारत की भी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगी और हम इसका निर्यात एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। एक प्रकार से ये एक सोच भारत में रेल यात्रा को सुगम बनाने की सोच के हिसाब से इस पूरी पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया है और ये कोई पॉलिसी नई नहीं है। उल्टे 2004 से 14 हर बजट में जिक्र हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 2005 में चिदंबरम जी ने जब बजट रखा, उन्होंने कहा गवर्नमेंट विल रिकॉग्नाइज द लीडिंग रोल प्लेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड प्रोवाइड अ सपोर्टिव पॉलिसी एनवायरनमेंट एंड स्टेबल टैक्स पॉलिसी। और उसी साल में रेलवे बजट में लालू प्रसाद यादव जी क्या कहते हैं, इन द कमिंग ईयर्स वी प्रपोज विद द हेल्प ऑफ आरएलडीए टू रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है टू डेवलप मेट्रो स्टेशंस इनटू वर्ल्ड क्लास मॉडर्न स्टेशंस एंड एक्सटेंड पैसेंजर एमिनिटीज थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ फूड प्लाजा, शॉपिंग मॉल्स एटसेट्रा ऑन वेकेंट लैंड। उसी में उस स्पीच में कहते हैं सेवरल पीपीपी इनिशिएटिव आर बीइंग टेकन टू गार्नर रिसोर्सेस थ्रू नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज टू प्रोवाइड एनहांस्ड फैसिलिटीज फॉर यूजर्स। और ये हर साल की बजट थी, 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में, हर वर्ष की बजट स्पीच में या रेलवे बजट स्पीच में इसका जिक्र हुआ है। 2007 में चिदम्बरम जी कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हैज एनेबल्ड ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे ही लालू प्रसाद यादव कहते हैं 2008 की बजट स्पीच में कि हमारे पास प्लान है 2.5 लाख करोड़ 5 साल में इन्वेस्ट करने का, हाउएवर इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइनेंस सच ए लार्ज इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम सोनली फ्रॉम रेलवेज ओन सोर्सेज। Therefore, we have started many PPP schemes for attracting investment of 1 lakh crore. तो मैं समझता हूं कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष और उस समय तो लेफ्ट पार्टीज भी इनकी समर्थन में, आपको याद होगा लेफ्ट तो आज का कम्युनिस्ट पार्टीज वो भी इनके समर्थन में 2004 से 9 में सरकार में शामिल। तो मैं समझता हूं पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप है। ये नहीं चाहते कि जनता को अच्छी सेवा मिले, ये नहीं चाहते कि जनता को सुगम यात्रा मिले, रेल का विस्तार हो और रेल एक इंजन ऑफ ग्रोथ बने, विकास यात्रा में भारत की इंजन अपनी प्रमुख भूमिका निभाए। मैं निंदा करता हूं इस प्रकार की बहुत ही मायोपिक जो सोच है कांग्रेस के लीडर्स की और कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके सुपुत्र की। सर, लेकिन बोला ये जा रहा है कि ये एक सोशल सर्विस का जरिया था, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो इसमें प्रॉफिट निकालेंगे, और दूसरी बात एक और बोली जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, जब रेलवे खुद इतना सक्षम है तो प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों लाया जा रहा है बीच में?
मैंने जैसे बताया कि रेलवे की रिक्वायरमेंट तो बहुत अधिक है जो आज के पास रिसोर्सेज है उसके निस्बत। अब रेलवे ने अगले 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्लान किया है, जिससे बड़े पैमाने पे रेल लाइनें लगे, अच्छे मॉडर्न रोलिंग स्टॉक लगे, ट्रेनें बने, फ्रेट के सुविधाएं बढ़े जिससे लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम हो और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपेटिटिव हो सके। मेक इन इंडिया के तहत भारत में और मौके मिले निवेश के भी और नौकरी के भी। अब ये सब चीजें कोई नई नहीं है, 1991 के बाद लगातार सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें और विकास यात्रा को गति दें, उस काम को हम आगे लेके जा रहे हैं। और जहां रही बात सोशल सर्विस की, जितनी सोशल ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने देश के लिए, देश के गरीबों के लिए और गरीब यात्रियों के लिए किए, मैं समझता हूं आज के पहले कोई सरकार ने नहीं। जितना ज्यादा गरीबों को सुविधा, ये कोविड के समय देख लीजिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जितने काम हुए हैं शायद आज के पहले कोई आपदा में कोई सरकार ने नहीं किए। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जिस प्रकार से लगभग 6 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया गया गरीबों को और 80 करोड़ लाभार्थी है, मैं समझता हूँ भारत के आजादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने गरीबों के लिए इतने सारी योजनाएं लाई है। सामाजिक दृष्टिकोण जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है मैं समझता हूँ और कोई सरकार ने आज तक नहीं। सर एक 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 बात ये जताई जा रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, फैसिलिटीज बढ़ेंगी तो दाम भी बढ़ेगा और गरीब लोगों के लिए इसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए गरीबों के लिए तो हम अपनी ट्रेन व्यवस्था चला ही रहे हैं, कोई रेलवे थोड़ी हमने प्राइवेटाइज कर। भारतीय रेल देश की संपत्ति है, आगे भी देश की संपत्ति रहेगी और देश की जनता की, देश के गरीबों की सेवा करती रहे। अब आप मुझे बताइए ऐसे तो हवाई जहाज चलते हैं, तो हवाई जहाज जिस हवा में चलते हैं उसमें एयर इंडिया भी चलती है और बाकी प्राइवेट एयरलाइंस भी चलती है, जिससे जनता को लाभ हुआ या नुकसान हुआ, इसको उससे उल्टे दाम कीमतें घटी, एफिशिएंसी सुधरी। आप बताइए पहले 2000-3000 रुपए में दिल्ली से मुंबई को जा सकता था, आज हवाई यात्रा में सस्ती टिकटें भी मिलने लग गई है। आज उड़ान योजना के तहत लोग सीधा अपने गांव तक पहुंच सकते हैं और गरीब आदमी भी हवाई जहाज से मात्र 2500 रुपए में जा सकता है। छोटे छोटे जगहों पे एयरपोर्ट शुरू हो गए, ऐसे ही रेल सुविधाएं सरकार भी उपलब्ध करा रही है, उसको बढ़ा रही है। पिछले साल हमने 1,60,000 करोड़ सरकारी निवेश से रेल की सुविधाएं बढ़ाई। तो मैं समझता हूँ ये एक छोटी पहल है कि निजी क्षेत्र भी, प्राइवेट सेक्टर भी देश की विकास यात्रा में अपना योगदान दे सके। और एक प्रकार से ये लगातार हर सरकार ने इस पे काम किया, चाहे वो ममता बनर्जी जी का 2011 का रेल बजट हो, जो कांग्रेस की सरकार के समय हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि रेलवे हैव डेवलप्ड सेवरल बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। उसी में उन्होंने कहा है प्रपोज टू सेटअप 2 मोर वैगन यूनिट्स अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। अब कांग्रेस की भी योजना अगर विस्तार की थी तो वो निजी क्षेत्र के साथ ही, दुर्भाग्य ये कि वो पूरी तरीके से विफल हुए, फेल हुए। हम सफल हो रहे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही निर्णायक नेतृत्व आज देश को मिला है।